हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आजकल ना एक वीडियो देख रही हूँ बिहार का, जो आरती और छोटू का है वीडियो। तो ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी, वैसे मैं जानती भी नहीं हूँ, मुझे कहना भी नहीं चाहिए। लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा एक वीडियो, दो तीन वीडियो है जो वायरल हो रहे हैं। भाभी है, बिहार की भाभी, वो भी मतलब बोल रही है, ठीक है, तो कुछ गलत नहीं बोल रही हैं। तो गाइस, मैं एक बात कहना जरूर चाहूँगी, जो छोटू है, छोटू की जो मृत्यु हुई है, जो आरती लाइफ लक करती थी उनसे, ठीक है, पहली बात तो अपने प्यार को कोई जितनी जल्दी भूलता नहीं है, ठीक है। अगर वो भूल भी गई हैं या नहीं भूली हैं, ठीक है, शादी उनकी हो चुकी है उनके भाई से, छोटू के भाई से ही शादी हो चुकी है ना। तो जो उन्होंने टाइटल लगा रखा है छोटू लव, ठीक है, तो पहले तो ना वो टाइटल उनको हटा देना चाहिए, ठीक है। भाभी गलत नहीं बोल रही हैं, वो सही बोल रही हैं, ठीक है गाइस। पहली बात तो गलती छोटू के भाई की यह है कि आईसीयू में, इमरजेंसी में, जब हालत ज़्यादा इंसान की ख़राब हो जाती है, ठीक है, मेरा बेटा भी कई दिन से बीमार है, मैं भी वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, और ना मैं, मेरी मम्मी हॉस्पिटल में थी, मैं भी ढंग से वीडियो नहीं बना पा रही थी, क्योंकि एक इंसान जब घर में, अगर फैमिली में कोई बीमार पड़ा है, तो वो वीडियो की नहीं सोच सकता बनाने की, क्योंकि उसके दिमाग में इतनी टेंशन होती है कि घर का मेरा मेंबर बीमार पड़ा है और मैं कैसे वीडियो बनाऊँ, नहीं करेगा मन वीडियो बनाने का, नहीं करेगा, ठीक है। आईसीयू में इतनी वो सीरियस थी, मैंने उसका हर वीडियो देखा है, इमरजेंसी आईसीयू का वीडियो देखा है, घर का वीडियो देखा है, पार्टी में गई है तब भी मैंने उसका वीडियो देखा है, मैं रोज़ देखती हूँ, ठीक है। तो मैंने एक वीडियो देखा है कि आईसीयू में वो इतनी बीमार थी, बेहोश तक की, उसको होश तक नहीं था। छुट्टी होने के बाद तो मन्नू को हॉस्पिटल से सीधा पार्टी में लेके गया उसको, फंक्शन में, ठीक है। जिसकी हालत इतनी सीरियस हो, उसकी बॉडी को रिलैक्स चाहिए, आराम चाहिए। अगर तुम्हें मन्नू जाना था पार्टी में, आप चले जाते अपनी मदर को छोड़ के घर पे, उनके पास छोड़ के, अपने फादर को लेके खुद चले जाते पार्टी में। जो आदमी तुम्हारा इतना घर में सीरियस बीमार है, तुम उसको पार्टी में लेके गए हो, वो इतनी कमज़ोर हो चुकी है, ठीक है, उसको तो पार्टी में लेके गए, और अब मैं देख रही हूँ वो घर का काम भी सारा कर रही है। तुम इतने बड़े यूट्यूबर बन गए हो, इतना पैसा तुम कमा रहे हो, ठीक है, तो एक थोड़े बहुत दिन के लिए मैट लगा लो काम के लिए, जब तुम्हारे घर में तुम्हारे फादर बीमार पड़े हैं, तुम्हारी मदर बीमार पड़ी है, आरती इतनी बीमार पड़ी है, तो तुम कुछ दिन के लिए, 1 महीना 2 महीने के लिए मैट भी लगा सकते हो घर के काम के लिए। गांव में देखो, आजकल गांव हो या शहर हो, सब में मैट, सब जगह मैट मिलती है काम के लिए, ठीक है। उस लड़की के अंदर ना ओनली हड्डी हड्डी है शरीर में, पहले जैसी वो हड्डी की नहीं रही है, बिल्कुल सूख चुकी है, ठीक है, क्योंकि उसको हाँ की भी टेंशन है, और टेंशन उसको अपने घर की भी है, हर जगह की टेंशन। गलती तो उसने की है, ठीक है, गलती उसने करी है, प्यार करना कोई गलती नहीं होती, ठीक है। गलती उसने ये करी है कि चलो उसने शादी कर भी ली थी, ठीक है। पहली बात तो अपने हिंदू धर्म में, जितना मुझे इतना पता है, मेरे घर में भी डेथ हुई है, ठीक है, मेरे फादर की डेथ हुई है, मेरी फैमिली ने 1 साल तक कोई शुभ काम नहीं करा, जब तक सोग नहीं होता, मरे आदमी का सोग नहीं होता, कोई शुभ काम नहीं होता, समझ रहे हो गाइस। मेरी बहन की भी डेथ हुई है, तो मैं तो अलग गोत्र में चली गई, वो अपने अलग गोत्र में चली गई, उनके घर भी 1 साल तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो मन्नू के 6 महीने भी डेथ को नहीं हुए थे, छोटू की, छोटू का जो भाई, मन्नू का जो भाई है छोटू, सॉरी, उसकी शादी कुछ, उसको मरने को, उसकी डेथ को 6 महीने भी नहीं हुए, और आरती की शादी भी होगी, उस घर में शुभ काम कैसे हो सकता है, 1 साल तक तो कोई शादी नहीं हो सकती गाइस, कर भी ली, ठीक है। तो अब मैं तो यही चाहूंगी, मेरे तो देखो आरती आपसे यही रिक्वेस्ट है, और मैं रिक्वेस्ट भी आपसे करूंगी, यही चीज बोलूंगी, आपने उस घर में शादी कर ली, ठीक है,
अपने फादर को और अपने उन्होंने गलती करी है कि उसको मारना नहीं चाहिए था। वो तो देखो मैं नहीं जानती हूँ कैसे वो मरा कैसे नहीं मरा, जो मैं यूट्यूब में देख रही हूँ, आपका वीडियो देख रही हूँ, लोगों की सुन रही हूँ, मैं बुरी बोल रही हूँ, ठीक है। शादी हो चुकी है, उसके बाद सब कुछ अब माफ कर दो ना, जाने वाला तो देखो चला गया। अगर आरती आप माफ नहीं कर रही हैं, मन्नू माफ नहीं कर रहे हैं, आप इतना पैसा कमा रही हैं, ठीक है, आपके ही जरिए मन्नू उठ रहा है, आप ही वायरल हो रही हो, ठीक है, आप ही की वजह से न्यूज आ रहे हैं आपके यूट्यूब में, आप वायरल भी हो रही हो, आपके वीडियो पे अच्छे सब्सक्राइब भी आ रहे हैं, अच्छे लाइक भी आ रहे हैं, अच्छे कमेंट भी आ रहे हैं, ठीक है आरती। लेकिन ना आरती, मैं आपसे एक बात बोलूँगी, माँ बाप का दर्जा ना ऊपर वाले से भी ज़्यादा होता है, उन्होंने गलती, किसी के भी माँ बाप यही चाहेंगे कि उसकी लड़की गलत कदम उठाए। तुम्हारे माँ बाप ने गलती करी, उसको मारना नहीं चाहिए था, उसको जेल में भेज देते, उसको मारते पीटते, उसको उसके घर ले जाते, पुलिस वालों को बुलाते, उसको हवाले करते, उसकी जान नहीं लेनी चाहिए थी। मैं तो आपसे एक बात बोलूँगी, देखो जानने वाला देखो चला गया, लौट के वापस नहीं आता, ठीक है, आपको भी माफ़ कर देना चाहिए छोटी के आरती के माँ बाप को, ठीक है। उसकी दादी बेचारी बीमार पड़ी है, माँ बेचारी धक्के खा रही है, छोटा भाई है, कौन उनके घर में कमा के खिलाने वाला, ठीक है। आप इतना पैसा कमा रही हैं आरती मन्नू, तो अपने माँ की इतनी सी हेल्प तो आप कर सकती हैं, ज़्यादा नहीं तो इतनी सी हेल्प कर सकती हैं पैसे से, ठीक है। गलती आपकी भी आरती, ये नहीं है कि गलती एक तरफ की नहीं है, गलती आपकी भी है, आपने शादी की है, आप इतना पैसा कमा रही हैं, तो क्या आपके पास एक फ़ोन नहीं हो सकता? मन्नू आपको फ़ोन क्यों नहीं दे रहा लेके? आप अपनी वीडियो अपने फ़ोन में बनाओ ना, अपनी कहानी अपने ब्लॉग में बना बताओ ना, आप नहीं बता सकती, आप नहीं बोल सकती, क्योंकि मन्नू डरता है कि मैंने आरती को फ़ोन लेके दिया। मैं आपसे एक बात बोलूँगी, आप इतना पैसा कमा रहे हो, आरती की आत्मा फ़ोन क्यों नहीं दे रहे हो, क्यों आरती को फ़ोन लेके क्यों नहीं दे रहे हो, क्या वजह है? आरती के पास भी फ़ोन होना चाहिए ना। आरती मैं आपको सपोर्ट करती हूँ, ठीक है, और करती रहूँगी, आपको साथ भी दूँगी। आप ही को ही चोट लग रही हैं, आप ही चक्कर खा के गिर रही हैं, आप मुझे बताइए किसी को चोट क्यों नहीं लग रही, आप बाथरूम में गई, आप ही को चोट लगी, इतना क्यों सूख गई आप? अपने नई ज़िंदगी शुरू कर ली, ठीक है, खुश रहो, लेकिन अपने माँ बाप को भी अब बस बहुत हो गया, आपने भी अपनी सज़ा काट ली, उन्होंने भी अपनी सज़ा काट ली। मैं मानती हूँ किसी का बेटा जाता है ना, माँ 9 महीने उसको पेट में रखती है, पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, अचानक उसके बेटे की मृत्यु हो जाना तो माँ को बहुत तकलीफ़ होती है, उस फैमिली को बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहूँगी, मन्नू की मदर को भी और मन्नू को भी, मन्नू के फादर को भी, देखो जो होना था हो चुका, ठीक है, उनकी लड़की ने आपके लड़के से शादी कर ली, अब उनको भी आप मुक्त कर दो, चाहे आप ज़िंदगी में उनकी शक्ल मत देखो, रिश्ता मत रखो, ठीक है। लेकिन अब बस बहुत हो गया, बहुत सजा काट ली, अब उनको आपने रिहा करवा दो, अब ज़िंदगी में रिश्ता मत देखो। आरती तो आपकी हो गई ना, आरती तो आपको सपोर्ट कर रही है ना, आरती की शादी जो हुई, आरती ने शादी जो करी वो इसलिए करी ना, क्या पता मेरी शादी होने के बाद इनसे मैं इनके घर में आ जाऊं तो क्या पता है मेरी फैमिली को भी। देखो लड़की कोई नहीं कह पाएगी, जिसने गलती करी वो मुझसे नहीं कहे, लेकिन अपने दिल में अपने दिमाग में चीज़ रखेगी। और आरती ने शादी करी जरूर है, वो खुश है या नहीं खुश है वो तो भगवान जानता है, लेकिन आरती भी सोचती होगी इस बात को, क्योंकि माँ बाप का जरिया बहुत बड़ा होता। तो मन्नू मैं आपको एक बात बोलूँगी, आरती को फ़ोन लेके दो, ठीक है, और अपना वीडियो बनाओ। मैं ये नहीं कह रही कि आप मन्नू के साथ में बनाओ, आपका हस्बैंड है,
ठीक है। लेकिन सोचने वाली बात ये है ना कि एक छोटू की उम्र हुए, एक 6 महीने नहीं हुए, आपके घर में शुभ काम कैसे हो सकता है? हिंदू धर्म में 1 साल तक कोई शुभ काम नहीं होता जब तक सोग नहीं उग जाता। सोग तो हर हिंदू धर्म में है कि आदमी की जब मृत्यु होती है और होली आती है, होली से 4 दिन पहले एकादशी पे सबके हिंदू धर्म में सोग होता है, उसी के बाद शुभ काम होते हैं। आपके घर में कैसे शुभ काम हो गया भाई? आपका बेटा चला गया और आपने शादी रचा दी बड़े बेटे की। शादी रचानी थी, शादी करनी थी। मैं जानती हूँ कि एक घर में किसी के लड़के के किसी लड़की जवान किसी की भी हो, उसके घर में जवान लड़की रहेगी तो दुनिया ऑप्शन उठाती है, ठीक है, और दुनिया बोलती है तो बेटी समझ के रखते, सगाई करके रखते कि चलो ठीक है हमने लड़की घेर दी है, अंगूठी हमने पहना दी है, पर लेकिन हम शादी तब करेंगे जब हमारे छोटू को मरे 1 साल हो जाएगा। आपके घर आपका बेटा भी गया और आपने बड़े बेटे के साथ शादी करवा दी इतनी जल्दी। आप उस लड़की को इतना मानते थे तो बेटी बना के रखते अपने घर पे। और आरती के साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि वो हर बार हॉस्पिटल पहुंच जाती है और इतनी जल्दी हॉस्पिटल जाती है, आईसीयू में इतनी सीरियस होती है, उसकी नाक में भी लगी होती है, उसके यहाँ बोतल चढ़ रही है, इसमें चढ़ रही है, और उसके यहाँ पे डीपी लगी है उसके सीने में, ठीक है, और इतनी जल्दी मतलब वो हॉस्पिटल से निकलने के बाद पार्टी में भी पहुंच जाती है, पार्टी से भी घर आ जाती है, घर में अब सारा काम कर रही। यार शर्म करो तुम लोग, उस लड़की में कुछ नहीं रहा, तुम इतना पैसा कमा रहे हो, तुम 3 4 महीना 15 दिन के लिए कोई मैड भी रख सकते हो। जब इतना पैसा कमा रहे हो तुम लोग, एक बीमार आदमी से जो अभी 10 4 5 दिन हॉस्पिटल आईसीयू में रह के आई हो, उसे तुम सारा घर का काम करा रहे हो। तुम्हारी माँ की हालत खराब है, मान दी घर में कोई काम वाला नहीं है तो उसको काम वाली रखो। उस इतनी हालत इतनी खराब है, सारा उसका चेहरा सूख गया, पूरी सूख गई है वो लड़की। गलती अगर उसने भी की है तो गलती तुम्हारी तरफ से भी हुई है, दोनों तरफ से गलती है, एक तरफ से गलती नहीं है। कैसे लोग हो तुम, शर्म करो मन्नू थोड़ा सा। अगर ये मेरा वीडियो आप देखोगे ठीक है तो कमेंट में जरूर लिखना, मेरा नाम है पूजा शानी। अगर कमेंट देखोगे और देख रहे हो तो मैं आपसे एक ही बात बोलूँगी, आरती को रिलैक्स की बहुत ज़रूरत है और हम सपोर्ट पहले भी कर रहे थे, पब्लिक सपोर्ट करेगी, आगे भी करेगी और करती रहेगी। अगर आरती को कुछ हुआ ना तो उंगलियाँ तुम पे 1000 खड़ी हो जाएंगी, ये ध्यान रखना मन्नू, ठीक है। आपको यूट्यूबर वालों ने इतना सपोर्ट किया है, आपको साथ दिया है वीडियो बनाने के लिए, कहाँ से कहाँ का आपको पहुँचा दिया, तो किसकी वजह से? आरती की वजह से। आप जो आसमान छू रहे हो ना वो आरती की वजह से छू रहे हो, वरना कोई नहीं जानता आपको। तो गाइस मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर करना और कमेंट करना और घंटी जोर दबाना और लाइक करना। अगर मैंने ये कमेंट ब्लॉग गलत बनाया तब भी कमेंट बताना, लेकिन मैंने गलत नहीं बनाया, मैंने बिल्कुल सही बनाया, ठीक है गाइस। तो बाय बाय।